A very good morning to everyone I on behalf of Punjab University Chandigarh extend my warm greetings to the distinguished dignitaries present here I stand before you today with the immense pleasure and a deep sense of purpose as we embark on this transformative journey together in our leadership development pro program Jointly organized by the ICSSR and All India Council for Technical Education at ICSSR Northwestern Regional Center, Punjab University, Chandigarh. In the realm of leadership, it is not merely about the titles or the positions, but rather about the profound impact that we can create on the lives of those we lead. Our program, grounded in universal human values, recognizes the timeless principles that bind us together as a global community to explore the nuances of leadership to go beyond success let us start the event professor sanjay koshik honorable director icssr and professor university business school is the driving force behind this event his daily commitments and high enthusiasm for social reforms and creating a conducive environment for conducting value-based efforts is commendable with these words i request shri sanjay kaushikji to give a welcome address to the participants thank you so much you know, it's a, uh, actually a very great pleasure welcoming you all. And when it was decided that uh, Indian Council of Social Science Research uh, Northwestern Regional Center would host uh, this one-day conference, it was an uh, actually an honor for us. Or Hame आपका स्वागत करते हुए और भी अच्छा लग रहा है कि आईसीएसएसआर के इस प्रांगण के बीच में हमारे बीच मंच पर हम लोग सब उन्हें जानते हैं राजनीश अरोड़ा जी राजनीश अरोड़ा जी आप यकीन मानिए जब भी मैं उनके बारे में बात करता हूं या सोचता हूं तो अपने आप पर गर्व की अनुभूति होती है और वो मैं क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपसे शेयर करूंगा मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूं कि अमेरिका हम लोग एक बार गए तो एक मैगजीन वहां पे पढ़ी और उस मैगजीन के जो टाइटल पेज के ऊपर हिंदुस्तान से एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट शख्स का फोटोग्राफ था और ये लिखा हुआ था कि जी उन्होंने वहाँ पे बहुत ये किया और वो किया और बहुत पैसा कमाया और रजनीश अरोड़ा जी पीएचडी हैं बीटेक हैं आईआईटी दिल्ली से और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी और बीटेक करने के बाद हम लोग जानते हैं कि जितने एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज होते हैं या अपने बिजनेस करने के एवेन्यूज होते हैं लेकिन इन्होंने चुना दस साल झारखंड के आदिवासी क्षेत्र के अंदर दस साल वहां पे बिताए और अपने जीवन के जो शुरुआती तेरह साल आप यकीन मानिए केवल और केवल इसी तरह के कार्य के अंदर हिंदुस्तान में जब लोग बड़े बड़े एवेन्यूज को ढूंढते हैं इन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट पर जाकर काम किया इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब इनके बारे में बात करता हूँ तो हमें खुद को गर्व की अनुभूति होती है और हम सब लोग जानते हैं वाइस चांसलर रहे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर रहे और उस समय पर जो इन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया उसकी छवि हम आज तक भी देखते हैं वहां पे जिस तरह से स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के लिए कार्य किया और मुझे ये बताते हुए और भी हर्ष हो रहा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग आईसीएसएसआर के अंदर कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग के साथ और मिलकर उसके जो सूत्रधार हैं वो एक्चुअल में राजनेश अरोड़ा जी हैं और जो आज के डेट के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और लेकिन उससे भी जो बताते हुए मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है कि चेयरमैन है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडक्शन प्रोग्राम ए के अंदर और ये हम सब लोग एक संस्था को जानते हैं विकास भारती विकास भारती को 40 से अधिक वर्ष हो गए काम करते हुए और जब विकास भारती की शुरुआत हुई थी तो रायनीश अरोड़ा जी विकास भारती के एक तरह से को फाउंडर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है राइनीश अरोड़ा जी आज के इस कार्यक्रम के अंदर और हम लोग सब लोग जानते हैं हमारे बीच में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के वाइस चांसलर मैडम रेनोविक मैम प्रोफेसर हैं यू आई ई टी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रहे वहाँ के और वाइस चांसलर बनने से पहले हमारी यूनिवर्सिटी के जितने बड़े बड़े पद वो चाहे डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन है और हर क्षेत्र के अंदर हर पोजीशन के अंदर मैम ने जो अपना काम किया जो योगदान दिया वो पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर के भी हम लोग जितने हैं वो बखूबी जानते हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये तो हम सब लोग जानते हैं कि पहली महिला वाइस चांसलर हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के लेकिन इवन अदर डॉक्टर वाइस इस यूनिवर्सिटी को अपने पूरे कार्यकाल के अंदर आगे बढ़ाने के लिए और वाइस चांसलर बनने के बाद और भी तेजी से बढ़ाने के लिए जितना काम मैम कर रहे हैं और जितना सहयोग इनसे बहुत बारी तो बगैर मांगे भी मिलता है उस के लिए हम सब लोग बखूबी जानते हैं मैम आपका इस कार्यक्रम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रेनू विक जी हमारे बीच राजुल अस्थाना जी हैं और राजू अस्थाना जी भी बी टेक हैं एम टेक हैं आई दिल्ली से और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके ये जो हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जिस कार्यक्रम के अंदर हम लोग शामिल हुए हैं तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ए उसके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और हम लोग जब सब ये अरेंज कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था ये देखकर भी कि टेक्निकली कितने साउंड हैं क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर इन्होंने एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे काम किया और जो ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स उसके ऊपर इन्होंने एक टेक्स्ट बुक भी लिखी और राजुल अस्थाना जी और इनकी धर्मपत्नी दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एजुकेशन संस्कार के नाम से जहां पर अपना बेहतरीन योगदान ये दे रहे हैं और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमारे बीच में हम लोग इनको सुनेंगे भी राजुल अस्थाना जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और मुझे ब... ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ये जो एक दिन की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो शाम के छह बजे तक चलेगी इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 160 सौ साठ वन सिक्सटी रजिस्ट्रेशन हुई है और हमारे बीच में ये जितनी रजिस्ट्रेशन है पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ दिल्ली और दूर दूर इलाकों से रजिस्ट्रेशन हुई हैं और आ, बड़ा चुनिंदा रजिस्ट्रेशन रिज, हुई हैं वाइस चांसलर्स की उपस्थिति हमारे बीच में हम सब लोग जानते हैं वाइस चांसलर्स हमारे बीच में मौजूद हैं वाइस चांसलर्स के साथ साथ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट के मेंबर्स हैं और जो इस यूनिवर्सिटी के सीनियर फंक्शनरीज हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं जिनके फोन कॉल्स आए के लोग जल्दी पहुंच रहे हैं इसीलिए हमने ये शायद हॉल उस संख्या के लिए थोड़ा सा छोटा है तो हमने सामने सेमिनार हॉल नंबर दो है सेमिनार हॉल नंबर दो के अंदर एक पूरी स्क्रीन के साथ जो कुछ यहाँ पे चल रहा है वो वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है और वहाँ पे दिख रहा है इसलिए इस संख्या के बाद जितने लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं वो सेमिनार हॉल नंबर दो के अंदर मौजूद हैं इसलिए जो सेमिनार हॉल नंबर दो में है और हमारी आवाज़ मुझे मालूम है कि वहां तक पहुंच रही है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग जितने जिनके अन्य लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं उनके अंदर मैं जानता हूं वाइस चांसलर्स को हम सब लोग जानते हैं लेकिन टू नेम अ फ्यू हमारे पास वाइस चांसलर हैं सिरसा से अजमेर सिंह मलिक जी हैं हमारे पास रघवेंद्र पी तिवारी जी हम सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं पंजाब बठिंडा से हैं हमारे पास वाइस चांसलर पालमपुर ए के सान्याल जी हैं प्रो वाइस चांसलर अनुपमा सिंह जी हैं डायरेक्टर एन आई ई कुरुक्षेत्रा से एन आई से भी हैं और वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी दिनेश जी हैं वाइस चांसलर हरीश शर्मा जी हैं मार्कंडेश्वर महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना से वाइस चांसलर जगदेव सिंह जी हैं आदेश यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर करमजीत सिंह जी बहुत जल्दी हमारे बीच होंगे वाइस चांसलर मनप्रीत सिंह जी मन्ना हैं वाइस चांसलर निष्ठा जसवाल जी बीच में होंगे जल्दी से रियात बारा से वाइस चांसलर साहब हैं वाइस चांसलर शशि कुमार धीमान जी वाइस चांसलर संदीप मिश्रा जी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से टंकेश्वर जी भी जल्दी हमारे बीच में मौजूद होंगे तो सभी वाइस चांसलर्स का सभी प्रिंसिपल्स का सभी सेनेट और सिंडिकेट के मेंबर्स का सभी हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप फंक्शनरीज का और वो सब लोग जो हमारे बीच में दूर दूर से आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पूरे एक दिन की यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक दिन का चलना है उसके अंदर जो रिसोर्स पर्सन हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग हमारे बीच आए पूरा दिन हमारे बीच में रहेंगे एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद थैंक यू सो मच